जय हिंद, गुड मॉर्निंग भाई लोग। तो आज मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूँ, हैप्पी दिवाली यार सब लोग को। और यहाँ पे आपने काफ़ी सारी मेरी हेल्प की है यार, मेरे इतने जल्दी इतने सब्सक्राइबर, इतने कम यहाँ पे व्यूअर आने के बाद भी इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे हैं। ये सब आप लोग की ही यार दुआ है, आप लोग ही शेयर करते हो यार। काफ़ी सारे लोग मेरे दोस्त हैं, जो मेरे हेटर भी जितने हैं उतने मेरे चाहने वाले भी हैं, वो सब मेरी यहाँ पे वीडियो भी देखते हैं और यहाँ पे शेयर भी करते हैं। बहुत सारे दोस्त हैं, नेम नहीं ले सकता, बहुत सारे हैं तो नेम याद भी नहीं है इतने सारे हैं, और हेटर भी इतने हैं कि उनका भी नेम याद नहीं है। तो मैंने काफ़ी सारी यहाँ पे कीबोर्ड की यहाँ पे ट्रिक डाली हुई है, और यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट भी कीबोर्ड की एक बनाई हुई है, जिस पर मैं और भी कीबोर्ड यहाँ पे ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो यार आज मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि मैंने कम्युनिटी पे कल पोस्ट किया हुआ था, एक कीबोर्ड था जो काफ़ी तेज काफ़ी फास्ट चलता है और कम MB का है, सिर्फ इसका यह 500 KB का है, जो सबसे कम साइज में है। और यहाँ पे होल्ड कीबोर्ड तो नहीं बोल सकते, बहुत फास्ट कीबोर्ड है, बहुत फास्ट कीबोर्ड है। तो मैंने इसको यहाँ पे किया था, तो काफ़ी सारे लोगों ने 10 ने लाइक किया और 10 लोगों ने यहाँ पे कमेंट भी किया, तो मैंने सोचा शायद इसकी वीडियो बननी चाहिए। काफ़ी सारे लोग इंस्टाग्राम पर भी आके बोले, ठीक है। तो उसको बताने से पहले देख सकते हो, ये मेरे भाई का चैनल है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मेरे भाई का चैनल है और ये मेरे खुद के भाई का, तो और ये दूसरा चैनल जो है ये मेरा सेकंड चैनल है। तो यार मेरा देखो, मेरा कोई भरोसा नहीं है, मेरे चैनल पे बहुत हेटर है तो रिपोर्ट करते रहते हैं। तो अगर यार चैनल डिसेबल हो जाता है, मेरा यहाँ पे सस्पेंड हो जाएगा, तो मैं इस चैनल पे वीडियो डालूँगा, मैं चाहे फिर तब मैं फेसबुक से रिलेटेड शायद कम वीडियो डालूँ, बट मैं रोस्टिंग करूँगा इस चैनल पर, और जो जो रिपोर्ट करता है, जो जो चूतिया बनाते हैं, सबको रोस्ट करूँगा इस। तो इसलिए ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, इस पर भी कुछ वीडियोस मैं बीच बीच में डालता रहूँगा, कुछ अपडेट इस पर करता रहूँगा। ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और ये भी ऊपर वाले भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ऊपर से आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है प्रिंस टेचवर्ड, ठीक है। यहाँ से प्रिंस टेचवर्ड आपको सर्च करना है, उसके बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक चैनल मिल जाएगा टेचवर्ड नाम से, ठीक है। प्रिंस टेचवर्ड सर्च करना तो आपको टेचवर्ड नाम से मिलेगा, उसके बाद इसको यहाँ पे आना, इसका भी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। ये बंदा सिंबल बनाएगा, इसके यहाँ पे भी मोनेटाइज होने के स्टेप लास्ट स्टेप है स्टेज है, ठीक है। यहाँ पे इसको 300-400 hours चाहिए बस। तो यार आप लोग जाके इसकी हेल्प करो, इसकी सारी वीडियो देखो। और ये बंदा बता देता हूँ, इसने सिंबल बनाता है, ये सिंबल काफ़ी सारे बनाता है, बट इसके सिंबल काफ़ी सारे लोग कॉपी कर लेते हैं। नेम तो आप सब जानते होंगे, उस पर कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। तो ये बंदा सिंबल बनाएगा, बट यार काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसके यहाँ पे सब्सक्राइबर कम है, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना इसका चैनल। तो चलते अपने ट्रिक पर। तो सबसे पहले मैंने बताया था कीबोर्ड का, जो सबसे कम यहाँ पे MB का रहता है और सबसे फास्ट चलता है, तो आपको इसका आइकन दिखा देता हूँ। ये देखिए काफ़ी फास्ट चलता है, ये इसको मैं बता देता हूँ, ये देखिए बहुत तेज़ चलता है, काफ़ी तेज़। तो यार काफ़ी सारे लोग बोलते हैं यार तुम लिखते हो और यहाँ पे ऑटो क्रिएशन कैसे, यहाँ पे ऑटो यहाँ पे सेव कैसे हो जाता है, तो मैं उसकी भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा कि आपको सेव ऐसा कीबोर्ड कहाँ जिससे आपको ऑल प्रॉब्लम फिक्स, यहाँ पे आपकी सॉल्व हो जाए, कैपिटल भी रहे। और ये बात है, ये कैपिटल भी, ये कीबोर्ड कैपिटल भी, एक बार अगर इसको कैपिटल कर देंगे तो जब तक आप बैक नहीं होगे आपको दोबारा कैपिटल नहीं करना पड़ेगा। तो इसकी यही खास बात है, ये काफ़ी फास्ट चलती है, मैं ये बता दे रहा हूँ। मतलब टाइप कर नहीं सकता, कि वायलेंस लग सकता है इसलिए टाइप नहीं कर सकता, तो यहाँ बता दूँ काफ़ी फास्ट चलती है। तो इसकी सेटिंग भी मैं आपको बता देता हूँ और कहाँ मिलेगा ये भी बता दूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, उसके बाद इसको इंस्टॉल करता हूँ, उसके बाद मैं इसको कैसे ओपन करना है इसकी सारी यहाँ डिटेल्स आपको बता दूँगा। सिंपल से आपको जाना है अपने यहाँ पे, ठीक है, क्रोम यहाँ पे गूगल प्ले पर जाना है, यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है, यहाँ पे फ्रेंच डिक्शनरी कीबोर्ड, ठीक है, आपको इतना लिख के सर्च कर देना है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करना है, थोड़ा स्क्रॉल करना है, यहाँ पे देखिए ये कीबोर्ड है, ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए 695 KB का है, MB में भी नहीं, 1 MB का भी नहीं है, और आधे MB का यहाँ पे ये कीबोर्ड है। तो यहाँ पे ये हैंग प्रॉब्लम तो आपको बिल्कुल नहीं है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे इसको कट करना है, और यहाँ पे आपको लिखना है KK कीबोर्ड। लिखने के बाद आपको ये भी ऐप डाउनलोड कर लेना है। लिंक यार मैं तो लिंक विंक नहीं दूंगा, बट आप यहीं पे इससे डाउनलोड कर लेना, पूरा वीडियो देखकर आप डाउनलोड कर लेना। तो उसके बाद मैं आपको इसकी सेटिंग भी बता देता हूँ। ये देख सकते हैं यार डाउनलोड हो गया। अगर आप वो दूसरा ऐप नहीं डाउनलोड करेंगे तो ये
इनेबल नहीं होगा तो ये डिसेबल ही रहेगा। तो इसको सिंपल सा ऐप ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पे इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे आना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जहाँ पे इस कीबोर्ड का नाम लिखा हो उसे वो कर देना है, ठीक है, इनेबल कर देना है। तो इस कीबोर्ड का नाम ये देखिए पहले से ही, तो इसको मैं इनेबल कर देता हूँ, ओके करना है, फिर दोबारा ऊपर का ओके कर देना है, फिर बैक आना है, फिर यहाँ पे डिफिकल्ट में इसको चूज़ कर लेना है, ठीक है, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। अब इसकी सेटिंग जैसे मैंने बैकग्राउंड वगैरह में लगाया तो ये सेटिंग आपको कहाँ मिलेगा, जैसे आप यहाँ पर जाएँगे अपने यहाँ पर, जैसे आप टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद यहाँ पर जाना तो आप यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। सेटिंग में सिंपल सा सेटिंग पर जाना है, सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पे आप किसका थीम वीम सब चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए टॉप रो इमोजी, ठीक है, अगर आप चाहते हो यहाँ पे सिर्फ नंबर हो तो आप इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ नंबर आ जाएगा, नंबर भी हट जाएगा, नंबर यहाँ से आ जाएगा। फिर आप चाहते हो इमोजी से हो तो इमोजी के लिए यहाँ पे कर दो, ठीक है। और उसके बाद और सेटिंग में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सेटिंग पर जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद इस यहाँ पे ऑटो कैपिटल लेटर, ठीक है, ऑटो कैपिटल ऐसे आप कर सकते हो, ऑलवेज डिस्प्ले ऑन कैपिटल लेटर, ठीक है। वाइब्रेशन, यहाँ पे आप वाइब्रेशन वगैरह लगा सकते हो, कितनी यहाँ पे कितना वाइब्रेशन हो, 1 सेकंड में कैसे वाइब्रेशन हो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे और ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आपको वॉलपेपर का, ठीक है, देखिए आप वॉलपेपर यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फॉन्ट, आप कौन सा फॉन्ट लगाना चाहते हो, जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने फॉन्ट चूज़ किया हो, अगर आपको और से फॉन्ट चाहिए अनलिमिटेड फॉन्ट आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। कीबोर्ड का फॉन्ट, आप यहाँ पे टाइप का फॉन्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, कीबोर्ड का फॉन्ट बता रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो अनलिमिटेड आपको फॉन्ट मिल जाएगा, और मैं आपको बता देता हूँ ये फॉन्ट साइज़ भी, आप यहाँ पर देखिए लार्ज डिफिकल्ट, यहाँ पर लार्ज आप यहाँ से लार्ज कर सकते हो। वॉलपेपर तो आपको लगाना मैंने बता दिया है, और देखिए की टोन वगैरह सब कुछ है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे, और यहाँ पे कलर की भी सेटिंग है, कलर का मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे आपको कलर मिल जाएगा, दिखा देता हूँ आपको कलर करके, चाहिए तो थीम, आप इमोजी भी यहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, अनलिमिटेड इमोजी आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हाँ देखिए कलर का ऑप्शन आ जा रहा है, तो यहां पे आप अपने यहां पे कीबोर्ड का भी कलर भी यहां से चेंज कर सकते हो। तो यार ऐसे आप काफ़ी अच्छा यहां पे कीबोर्ड लुक भी बना सकते हो और टाइप भी, जिससे फास्ट हो। ऐसा कीबोर्ड आपको सिर्फ यहाँ पर 600 KB में मिल जाएगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे काफ़ी फास्ट चलता है। तो यार किसी काफ़ी सारे बंदे बोल रहे थे यहाँ पे साइन कीबोर्ड जो होता है वो काफ़ी अच्छा चलता है, तो उस पर उसकी सारी प्रॉब्लम्स और उसकी सारी सेटिंग के लिए वीडियो बना दो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर ज़रूर बनाऊँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।